महाराष्ट्राला स्थिर सहानुभूतीशील सरकारची गरज आहे अशी प्रतिक्रिया प्रणिती शिंदे यांनी दिली आहे. मावळ लोकसभा मतदारसंघात आमदार प्रणिती शिंदे यांच्या उपस्थितीत मोर्चे बांधणी झाली. राज्यामध्ये लोकशाहीच्या माध्यमातून निवडून आलेलं सरकार दिसत नाही. षडयंत्र रचून सगळ्यांना इकडून तिकडे नेण्याचं काम भाजप करत आहे. महाराष्ट्रामध्ये स्थिर सरकार फक्त काँग्रेस पक्ष देऊ शकतो, दुसरा कोणताही पक्ष देऊ शकत नाही, असंही त्यांनी यावेळी म्हटलंय. काँग्रेस कार्यकर्ता में ऊर्जा है, लोग देखना चाहते हैं, लोग महाराष्ट्र को एक स्टेबल सरकार देना चाहते हैं और इसीलिए आज एक ही पार्टी है जो स्टेबल है, जो यहां वहां नहीं जाती है, वो है कांग्रेस पार्टी, जो लोगों तक जाती है, जो ग्रास रूट पार्टी है, जो महंगाई के ऊपर आवाज उठा रही है. हमारे नेता राहुल जी गांधी महंगाई या मणिपुर विषय हो, महंगाई के ऊपर हो, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, बेरोजगारी के विषय है, इसके ऊपर बीजेपी बात भी नहीं करना चाह रही है. अफसोस इस बात की है कि प्रधानमंत्री ने 1.5 घंटा पार्लियामेंट में भाषण दिया लेकिन इन चीजों पर बात नहीं की जो हमारे राहुल जी और हम सब दोहरा रहे हैं. तो यही हमारी मीटिंग है कि हम घर घर जाके लोगों की आवाज लोगों तक ले जा रहे हैं और महाराष्ट्र को एक स्थिर सरकार देने के लिए हम लोकसभा अढ़ावा बैठे. ब्यूरो रिपोर्ट, बातमी पत्र.